आरजे कंप्यूटर एम टेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरजे कंप्यूटर एम टेक। अभी से जी रहा हूँ जिंदगी को उस प्रकार जिस आकार का बनाना चाहता हूँ। तूफान लाने से पहले भूकंप लाना चाहता हूँ, छोड़ पानी का पंप लाना। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा एम एस ऑफिस वर्ड का पार्ट टू है। तो चलिए हम एम एस वर्ड को जो पीस पार्ट है उसको हम खोलते हैं और यहाँ से हम आज पार्ट वन में दोस्तों हम पहले आप लोग को बता चुके हैं फाइल मेनू के बारे में और वहाँ से सेव कैसे करते हैं, कोई भी फाइल बनाकर न्यू ओपन कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं सब बता दिए हैं, प्रिंट का ऑप्शन भी बता दिए हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे होम मेनू के बारे में। तो होम मेनू में दोस्तों क्या है, मान लीजिए होम मेनू में ये सब दिया गया हमारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई कुछ भी टाइप करते हैं तो सिंपली हम यहाँ पे टाइप करते, चलिए अपना नाम ही टाइप करते हैं रविंद्र यादव। चलिए दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए हम नाम टाइप कर लिए हैं और इसका अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है तो चाहे तो हम यहाँ से माउस के द्वारा से सिलेक्ट कर सकते हैं या तो इसको हम कंट्रोल प्लस सी के द्वारा डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको सबको सिलेक्ट करने के बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा जो फॉन्ट का ऑप्शन दिया गया है यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और कोई जो फॉन्ट हमको लेना है यहाँ से ले सकते हैं। देखिए हमारा फॉन्ट यहाँ से चेंज हो जा रहा है, यहाँ से अपना हम कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो और इसके नीचे ही इसका दिया गया है बोल्ड का ऑप्शन, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हैं और इसके यहाँ से साइज भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी साइज हम यहाँ से इतना बढ़ा लिए हैं, 48 कर दिए हैं, इसको बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, इटैलिक करते हैं, ये यह सब यहाँ पे है। और इसके बाद अगर इस फॉन्ट का जो भी हमने इसको लिखे हैं ये हमारा पेज पे ब्लैक कलर का आया है, तो ब्लैक कलर का आया है दोस्तों तो इसको हमें कोई और कलर करना होगा। तो इसको हम कंट्रोल ए से पहले पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और इसको कोई दूसरा कलर करने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे और इसको मान लीजिए यहाँ पे देखिए कई सारे कलर दिए गए हैं, जिस कलर में करना है उस कलर में हम इसको यहाँ पे कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पे फॉन्ट के बारे में, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बारे में जान गए हैं, कलर के बारे में जान गए हैं और अगला मेनू हमारा जो ये है इसको जस्टिफाई करने के लिए। जैसे मान लीजिए इस फॉन्ट को हम मेटल लिखे हैं, उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम जस्टिफाई क्लिक करते हैं तो हमारा सेंटर में आ जा रहा है। जैसे यहाँ पे यादव लिखे हैं ये हमारा सेंटर में आ जा रहा है और यहाँ से राइट में लेफ्ट में करने के लिए यहाँ से हम कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों देखिए हमारे होम मेनू में सब दिया गया है और यहाँ से हम कोई भी मतलब अपना सेव जो हेडलाइन है हेडिंग कोई ले सकते हैं। इस हेडिंग में क्या है दोस्तों कि हम कुछ भी लिखे हैं और उस हेडिंग में जाएंगे तो जैसे उस हेडिंग में लिखा गया है वैसे ही ये ऑटोमेटिक आपका होता जाएगा। जैसे टाइटल है, सब टाइटल, ये सब दिया गया और यहाँ से आप चेंज स्टाइल पर क्लिक करके अपनी स्टाइल या कलर या फॉन्ट यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ से फॉन्ट चेंज हो जा रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा चेंज स्टाइल पे जाके ये हमारा फॉन्ट का स्टाइल है और वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर पे आके कोई भी कलर से आप इसको फिल कर सकते हैं, ऐसे हमारा कलर चेंज हो जा रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही होम मेनू के बारे में। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंसर्ट मेनू के बारे में और इंसर्ट मेनू में क्या क्या है अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसा है दोस्तों कि आप लोगों को होम मेनू के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं सब मालूम चल गई होगी। और सॉरी दोस्तों, इसमें दो तीन पार्ट तो दोस्तों मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोग को होम मेनू के बारे में पूरा जानकारी मिल गया होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और इसमें दो तीन ऑप्शन छूट गया जो मैं आप लोगों को नहीं बता पाया। तो चलिए, वो तो बहुत आसान तरीका है, आप लोग पहले से ही जानते होंगे, मैं तब भी फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो मेटल लिखे हैं अब इसको यहाँ से कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं, फिर इसके बाद इस पर दबा के कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं, ऐसे कई सारे पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से कंट्रोल एक्स से पूरा कट कर देंगे, कंट्रोल वी से पूरा पेस्ट कर देंगे, ये तो आप शुरू में ही जान गए होंगे। जो इसका मैं इसका नोटपैड का जो वीडियो बना था
उसमें ही बता दिया था, सब तरीका सेम होता है। कंट्रोल देखिए दोस्तों, जो कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, यानी कि कंट्रोल ओपन और कट और पेस्ट, ये सब जो मेनू है, ऑप्शन है, ये आप में आपका सब में चल जाएगा, एक्सेल में चल जाएगा, वर्ड में चल जाएगा, नोटपैड में चलेगा, हर कहीं चलेगा ये। इसको अगर आप एक बार जान लेते हैं कि कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल वी से, कंट्रोल ए से आल सेलेक्ट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, फिर इसके बाद कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, ये हर जगह आपको काम आएगा। देखिए पेस्ट करते जा रहे हैं, और कंट्रोल जेड से अंडू होता है, यानी कि बैक की तरफ जाता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों होम मेनू के बारे में पूरी डिटेल के बारे डिटेल से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इनसाइड मेनू के बारे में बताऊंगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इस हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और रोजाना इसे नई नई अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।